आप देखिए, महिलाओं और दलितों को लेकर ये कैसी कैसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही बिहार में गमंडिया गठबंधन के एक नेता, वो वहां के मुख्यमंत्री है, उन्होंने दलित समाज के पूर्व मुख्यमंत्री के लिए ऐसी अभद्र भाषा बोली, ऐसी अभद्र भाषा बोली, कोई सामान्य नागरिक भी बातचीत में भी ऐसा नहीं बोल सकता, वो विधानसभा के फ्लोर पर बोल रहे थे। ये है गमंडिया गठबंधन। क्यों क्यों गालियां दी? क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री अति पिछड़े दलित परिवार से आते हैं, इसलिए उनकी बेइज्जती करने में उनको आनंद आता है। उन्होंने तो पाप किया, लेकिन कांग्रेस के एक भी नेता उसके मुंह से ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बताने का भी विवेक नहीं है। दलितों के खिलाफ अत्याचार करने वालों को देखकर कांग्रेस आंखों पर पट्टी बांध लेती है। यहां राजस्थान में 5 वर्ष तक दलित परिवारों के साथ हुए अत्याचार पर कांग्रेस ने यही किया है। साथियों, जब से महिलाओं को आरक्षण देने वाला कानून नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित हुआ है, तब से इन्होंने महिलाओं के विरुद्ध अभद्र अभियान छेड़ दिया है। गमंडिया गठबंधन के नेताओं ने कैसी कैसी आपत्तिजनक टिप्पणियां हमारी माताओं बहनों के लिए की है। बिहार के मुख्यमंत्री ने तो विधानसभाओं में महिलाओं के प्रति घोर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है। लेकिन मजाल है कि कांग्रेस के किसी भी नेता ने कोई आवाज उठाई हो, और यही कांग्रेस का असली चेहरा है जिसे राजस्थान के लोग पहचान गए हैं। साथियों, महिला विरोधी कांग्रेस कभी महिलाओं का कल्याण नहीं कर सकती, कभी महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकती। कांग्रेस ने राजस्थान को महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर 1 बना दिया है। यहां मुख्यमंत्री कहते हैं कि राजस्थान की बहनों बेटियों ने पुलिस थाने में जाकर के उन पर जो अत्याचार हुए, जुल्म हुए, उसकी जो शिकायतें फरियाद दर्ज की हैं, यहां के मुख्यमंत्री कहते हैं कि सारी शिकायतें फर्जी हैं। क्या कोई मां बहन ऐसी फर्जी शिकायत करे? ऐसा हमारे देश में कभी हो सकता है क्या? आप मुझे बताइए, हो सकता है क्या? कभी कोई महिला, हमारे देश की माताएं बहनें तो ऐसी हैं, थोड़ा सा भी उनके साथ किसी ने बदतमीज की हो तो चुपचाप वहां से चुपचाप चली जाती है। वो सोचती है कि वो बुरा आदमी है, वो उतने घर जाए, मैं अपने काम पे चली जाती हूं। वो कभी झूठ बोलने का तो सोचती भी नहीं है। और जब पुलिस थाने में जाकर के उस पर हुए अत्याचार की बात लिखवाती है तो कुछ तो सच होगा कि नहीं होगा? भाई, होगा कि नहीं होगा? अरे मुख्यमंत्री ये कहे कि भाई हम जांच करवाएंगे, मैं तो मुख्यमंत्री सर्टिफिकेट देते हैं कि महिलाएं आजकल फर्जी चीजें लिखवा देती हैं।